हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और चलो, आज का व्लॉग, न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और न्यू व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो मुझे आपको दिल से थैंक यू कहना है। आपने मेरी बेटी अनायत को मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग विशेस दी, उसको बर्थडे विश किया, थैंक यू। और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा यार, बहुत अच्छा। कुछ लोगों के न्यू न्यू कमेंट्स थे तो, जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ। तो चलो, मैं आपको सबसे पहले तो व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ के नाम भी बता देती हूँ, मतलब थैंक्स करना चाहती हूँ उनको। एक सेकेंड। तो हाँ, क्या कहते हैं, जैसे शिवानी ठाकुर जी, रचना मेहता, और है शिल्पा हिमालय क्वीन, और है केशव कुमार, और है इसमें ये कौन है, सोनल दिलैक। ओ, दिलैक जी भी है कोई? सोनल दिलैक, और जयप्रकाश शर्मा जी, नीलम ठाकुर जी, और ये हीरो स्टार विजय शर्मा जी, गगन मेहता, और है भरत सिंह, प्रभा शर्मा जी, रिचू हिमाचली व्लॉग्स, रिया रिंकू पांचटा, अंजलि श्याम, सुषमा घांटा मासी है ये, और जी राज सिंघा जी, और इशिता कन्वर जी, थैंक यू सो मच। आपने जीशा नानू की ब्लेसिंग दी, थैंक यू। और अब्दुल खलील, और है जी इसमें केसलीन काल्टा, अंजू चौहान जी, हार्टा फैमिली व्लॉग्स, रीता मेहता, निशा खून जी, मंजू डोगरा जी, दीदी है ये तो, शाइना डोगरा, और जी ये है रीनू चंदेल, और ये है सांदनी है कोई, और है जी यूज़र, इसमें तो नेम नहीं है ना, लाइक राम जी, और है बेबी चौहान, पूनम शर्मा, ये है जतिन खोंटा, रमा चौहान, अगर किसी के नाम में थोड़ी गलत भी पढ़ रही होगी तो सॉरी, राजकुमार जी, आरवी चौहान, भूपेश भट्ट, मोनिका शर्मा जी, दीपा चौहान, अंजलि कपूर, सीमाक्षी जी, कशिश, रुचिका काल्टा, शोएब ठाकुर, कशिश राणा, और है ये विमिक्सन, गोपाल गोपाल जी, और है जी तो यूजर की सोनिया कैथ, और संजना कुलदीप शर्मा, और सुनीता संदीप ठाकुर, राजपूत सुनीता मिक्टा, और रीना अक्षय शर्मा, दर्शन जी, और अनु चौहान, पूनम धेटा, शालू विक्की मेहता, संजना खोंटा, रिंपल नवीन डोगरा, रुचि, और अविनाश भैया, पूनम अनिल मास्टा, मीनाक्षी पांडे, और है स्विक्षा सिंघा, समीक्षा सिंघा, और है जी तुलसी मेहता, अमित नेगी जी, निशा मेहता, देखा ठाकुर, पिंटू ठाकुर, जोहार मेहता, ये तो मेरे ससुर जी है, और मधु कल्याण, रमेश शर्मा, राकेश सावंत, पप्पू काल्टर, सहिंद्रा मेहता, किरण, जगमोहन जी, सुरेश वर्मा जी, के एल, रीना आर, विंकल पांटा, प्रिया दी, नीतू डोगरा, प्रभा मेहता, डेजी, रविंदर भामटा, यतीश, मतलब बहुत सारे जो भी है, और जो छूट गए उनके लिए सॉरी। और मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा विशेस की, थैंक यू सो मच। और कुछ के ऐसे मैसेज भी आए कि आप बहुत अकड़ू हो, तो आप प्लीज़, मतलब मैं रिप्लाई नहीं किया तो इस बेस पे जज ना करें कि मैं बहुत अकड़ू हूँ। मैं कोई अकड़ू नहीं हूँ, और उसके लिए माफ़ी कि रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए आज सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और फिर भी उन्होंने मेरी बेटी के लिए इतनी सही ब्लेसिंग दी। और मतलब यूट्यूब के थ्रू ही हम एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि बिना जान पहचान से भी आप लोग इतना अच्छा सोचते हो, तो थैंक यू। तो चलो, अब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ऐसा है कि आज हमने शिमला भी जाना है, शाम को जैसे जाएंगे उससे पहले हमने थोड़ा छोटा मोटा काम जो बच गया है, जैसे थोड़े बहुत प्लम भी है और तोड़ने को, तो अभी उसको तोड़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना दिया है,
तो बस फिर शिमला जाना है और छुट्टियाँ इतनी ही थी, कल अनायत का स्कूल है तो चलो। ये दोनों बोल रही है कि हमारे को मच्छर ने काटा है। तो हम यहाँ मामा जी के घर आ गए हैं, प्रिंस के मामू के घर, अंजलि गौरव के घर, क्योंकि मैंने इनकी रिटायरमेंट हुई थी अभी पीछे, तो उसकी एल्बम देखनी थी। तो खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि उस एल्बम में मैं भी हूँ। तो देखते हैं, हम आपको भी दिखाती हूँ। नानी कहाँ गई? तो जी ये है एल्बम, ये है प्रिंस के मामू, इसमें लाइट पड़ रही है, प्रिंस के मामू मामी, अंजलि के पापा मम्मी। यही तो है, नानू होते हैं, नानू आपके नानू लगते हैं। ये देखो इसकी बुआ, अंजलि बुआ इसकी, ये जॉनू भी और प्रिया। ये देखो आप अनायत, अनायत और इसका भैया लक्ष्मी भैया। ये देखो मैं और निशा दीदी, मतलब हमारे घर के साथ ही है तो हम ऐसे ही थे, घर के कपड़ों में ही। ये लो ये जलेबी, इंजॉय करती है जलेबी। ये है गौरव, हैंडसम गौरव। ये मम्मी मेरे सास, इनके भाई है मामा जी। ये देखो यहाँ आ गए हम लोग, ये मम्मी प्रिंस मामा मामी पापा और मैं। देखो कैसी आई हूँ, अनायत तंग कर रही थी, देखो इसने सर अपना पीछे छुपाया है, ये तो हर जगह तंगी करती है। ये है मम्मी की पूरी फैमिली, मतलब ये मम्मी जो ये है, ये मम्मी और ये मम्मी की दो सिस्टर्स और ये एक भाई मामा जी, ये इनकी बेटी, ये मामी, एक जैसी ड्रेस पहनी है इन्होंने, ब्यूटीफुल मामी। प्लम का काम चला हुआ है और इतने बस थोड़ी सी रहे भरने को, ऐसी है ऐसी ही, ब्लैक एम्बर है ना, ब्लैक एम्बर अभी और भी रहे हुए भरने को इसमें है। ऐसे मत सोचना कि मैं व्लॉग ही बना रही हूँ, काम नहीं कर रही, मैंने भी भरे हैं ना मैंने भी भरे हैं। रेडी हो गए हम लोग जाने के लिए शिमला, और बस प्लम वेला लेके आ रहे हैं अभी गाड़ी के पास को, अभी इतने ही लेके आए हैं ये बैग्स वगैरह, तो बस अभी चलते हैं। ये लेके आ रहा है प्लम, मामी बीत लगे हुए थे प्लम भरने, इनने तो थोड़े से ही तोड़े अभी। कितने मामी? 15। आपने अकेले भरे? मामा जी ने आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं की? खराब नहीं, अच्छे भरे होने आपने। उसने एक किलटा लेके आया, मेरे को नहीं पता कौन, हाँ पता नहीं यार, उसने गाड़ी में डाल दिए। हाँ जाओ, मैं कब से आवाज मार रही थी आपको, गाड़ी में डाल दिया। चल पड़े हैं वापस, आपकी मर्जी है जहाँ से जाना है, आपको जहाँ से नीचे से चलो, चाहे दो दो रास्ते जहाँ मर्जी से, शिमला चल पड़े हैं वापस। अब वहीं दोबारा से बोर हो रहे। अनायत तो सो गई है थक के, क्योंकि इसका सोने का टाइम भी था और मेरे को भी नींद आ रही है बहुत। आपको आ रही है? नहीं आ रही, मेरे को तो आ रही है बहुत। कभी टॉफी खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और आगे थोड़ा कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ फंस चुके हैं हम, अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अनायत ने टॉफी का पैकेट लाया हुआ है, हम बस इसको खा रहे हैं, नींद आ रही है। और अब थोड़ा हमारा प्रोग्राम चेंज हो चुका है, शिमला नहीं जा रहे हम, शिमला जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बता दो, पर आप मेरे व्लॉग स्किप मत किया करो, पूरा व्लॉग देखा करो। और हम सोच रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, मतलब शिमला तो जाएंगे ही हम शाम को, पर हम कहीं जा रहे हैं, आपको आगे आगे पूरा देखना पड़ेगा व्लॉग्स के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार हम घर से मतलब जल्दी आए हैं। अदरवाइज़ हम 6-7 बजे ही घर से चलते हैं, कभी कभी तो 8 बजे भी चलते हैं शाम को। तो आपको आगे आगे बताते हैं। हम
पहुंच गया यहाँ पे नारकंडा से थोड़ा पीछे, ये आगे को जो रोड जा रही है ये नारकंडा को जा रही है और हमने यहाँ से ऊपर को टर्न होना है। तो देखो कितना रश है इधर, टूरिस्ट कितने सारे टूरिस्ट आए हैं। ये नीचे वाली रोड जाएगी रेको और ये ऊपर वाली आप गेस कर सकते हो अज्ञातवास। तो ये ऊपर वाली रोड जा रही है जी हाटू मंदिर, हाटू टेंपल, मतलब बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। ये रोड बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा, एकदम गाड़ियाँ जाती है, पर लोग तो काफ़ी लोग तो पैदल आते हैं, टूरिस्ट तो ख़ास तौर पर। जब तो इधर बर्फ़ पड़ी होती है तब तो बहुत मुश्किल होता है। देखो कितनी कम जगह है इधर, देखो हम कहाँ पहुंचे हैं यार, ये मेरे को सबसे अच्छी जगह लगती है। हाँ मेरे को उतरना है। यहाँ इतनी अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी, मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा। कैसी है यहाँ पे यार, सर्दी वाली फीलिंग आ रही है और साथ में यहाँ पे ये देखो आप यार, काफी लोग आते हैं इधर, काफी लोग, पानी कम है अभी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो, आओ बेटा इधर आओ, ये देखो जरा, ये देखो जरा, इनको पानी पीने के लिए रखा हुआ है। हाँ ये देखो इनको पानी रखा है यहाँ पीने के लिए, देखो छोटा जो सा बेबी, ये भैंस का बच्चा लग रहा है मेरे को। क्या आजा बच्चा, आजा बच्चा, जा जरा इसके पास आजा बच्चा। बस आगे चलते हैं अब मंदिर की तरफ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर। बहुत ही बढ़िया सीनरी है और मैंने तो एक रील भी बना दी इधर, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा। और इतनी धुंध, ऐसा इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये भेड़े ना, मैं इनके साथ रील बना रही थी पर ये मेरे को देख के भाग रही है, डर रही है। अनायत और प्रिंस दिख रहे, क्या है अनायत वहां पे, छोटे वाला का हो, छोटे वाला का होगा। अनायत बोल रही है कि मैंने ये टच करना है, कर लो जल्दी करो हैंड ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड। डरते क्यों हो आप यार, कुछ नहीं करता बेबी, चलो अब चलते हैं ना। तो टेंपल भी जाना होगा ना बेटे, घर ले जाना, ये दादी के पास ले जाइयो, तेरे को खुद मारेंगे। चलो तो हम पहुंच गए हाटू मंदिर, ये देखो आप, अनायत आए थे ना पहले, याद आया कुछ, ये देखो कितना सुंदर है। और सबसे खास बात तो ये है कि इतनी छोटी पे है, बाकी तो चलो। तो हम दर्शन करके आ गए, अंदर का हमने नहीं लिया क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे माता के सामने ऐसे कैमरा लेके, तो बहुत ही सुंदर है। और ये देखो आप मंकीज, देखो आप यहाँ, हम थोड़े ना लेट हो गए शायद, यहाँ कुछ था आज भंडारा या कुछ था शायद। ओ यार डर भी लग रहा है मंकी से, मंकीज ये इतनी चोटी पे है, थोड़ा इधर जाते हैं परे। दोस्त लोग, एक दोस्त मेरी है यहाँ पे, देखो काफी लोग इन पे पहाड़ों पे चढ़ के शूटिंग करते हैं, इधर तो लोग लगे हुए भी है शूटिंग करने। चलो जरा, क्या यार कितनी अच्छी जगह है यार, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से मतलब हमारा घर दिखता है पर अभी कुछ भी दिखा नहीं दे रहा है, धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो 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 जी, चलो चलो, हाँ चलो जरा, क्या है यहाँ ऊपर। ये नाइतू का घर है, आपका ही घर है यार, इधर तो रील बनाना होता है कि मेरा घर है, कितना सुंदर है यार। भाई पापा ठीक है, भाई अनायत आपको ना मार दिया था इन्होंने। यहाँ देखो अभी भी लोग आ रहे हैं यार, मतलब शाम होने वाली है, टूरिस्ट चले हुए हैं फिर भी। ये देखो आप, ये क्या हो रही है मम्मी, जो बेटे अनायत
ये जब आपको मारेंगे ना, देख रही है आपको ये काओ, इनको कैसे मालोगे। तो जी हम पहुंच गए हैं शिमला और थक भी गए हैं काफ़ी, क्योंकि घर पे ही ऐसे थक गए थे। तो प्रिंस ने तो ड्राइव भी किया है, हम तो चलो बैठे हुए थे फिर भी गाड़ी में। प्रिंस तो अब सो गए है और अनायत लगी है कार्टून दिखने। अनायत स्कूल भी है? नहीं जाऊंगी मैं। बहुत डेज की हॉलीडेज थी, थोड़ा इसको वैसा है सुबह स्कूल जाने का, तो ये बोल रही है कि ठीक है मैं कल स्कूल चल जाऊंगी, फिर मेरे को फिर से हॉलीडेज होगी, तो थोड़ी अब ऐसी हो गई है ये। अभी तो सुबह की भी टेंशन है, उठे ना उठे, टाइम टेबल बिल्कुल ही खराब हो गया है इसका। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।